शुक्र है मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम मनोज मेहरा और हमारा चैनल योग और निरोग, जिस पर हम बताते हैं किस प्रकार सभी बीमारियों का इलाज योग द्वारा किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम बताते हैं 4P पद्धति के बारे में, जिसमें आपको बताया जाता है कि कोई भी रोग, किसी भी प्रकार का रोग, चाहे उसके आप नाम ना जानते हो, बस शरीर में कोई समस्या है, परेशानी है, उसको हम दूर कर सकते हैं बिना औषधि के सेवन के, सिर्फ अपने खाने पीने के तरीके में, समय में परिवर्तन करके। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें सबको पता है, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोचनी है। यदि आप इस बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं तो आप जीवन पर्यंत निरोग रह सकते हैं। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई बीमारी आपको जीवन में आ नहीं सकती है। तो आज का टॉपिक है हमारा 2 इंच का मजा। कैसे आप 2 इंच का मजा लें, कैसे आप इस 2 इंच के अंग को मजा दें और आपको कोई समस्या ना आए, यही मैं बताना चाहता हूँ, यही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं इस सस्पेंस को कि 2 इंच के मजे में क्या सजा मिलती है, 2 इंच के मजे को हम कैसे इसको प्रोग्राम कर लें, इसको कैसे समझ लें और हमारी समस्याएं, बीमारियां सभी दूर हो जाएं, इसके लिए आप बने रहेंगे अंत तक, ज्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या है, इस 4P पद्धति को समझना है। 4P पद्धति को कैसे है, क्या है, कैसे फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपने खाने को परिवर्तित करके 4P पद्धति के ऊपर ले आना है और आपने देखना है जीवन में कितनी जबरदस्त ऊर्जा, एनर्जी आपके शरीर में बढ़ जाती है, बीमारियां दूर हो जाती है। उसका लिंक मैंने 4P का डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाइए देखिए समझिए। अब प्रारंभ करते हैं, ये आपका जो 2 इंच का मजा है ये क्या चीज है। यदि 4P पद्धति का मूल आधार है 2 इंच, मींस आपकी जिह्वा, जिसके स्वाद के कारण आप बीमारियों में फंसे रहते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि हमको इस जिह्वा के स्वाद के अंदर आगे अधीन क्यों हो जाना पड़ा है। यदि हम इस स्वाद को, 2 इंच की जिह्वा को मजा देना का तरीका सीख गए, तो हमारी जो ये 6 फुट की बॉडी है, जिसको इसके कारण सजा मिलती है, बीमारियां मिलती है, परेशानी मिलती है, तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, वो सही हो सकता है। और कैसे आपने अपनी जिह्वा को मजा देना है ताकि आपकी बॉडी को, आपके शरीर को किसी भी तरह से सजा ना मिले, यही तो 4P पद्धति में बताया जाता है। और आप सब मुझे जानते ही हैं, 9 वर्ष हो चुके हैं मैंने किसी भी प्रकार की किसी भी गोली का सेवन नहीं किया है, मैंने कोई दवाई ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं बीमार ही नहीं पड़ा हूं, क्योंकि मैं बीमार होता ही नहीं हूं। और बीमार क्यों नहीं होता हूं? क्योंकि मैं अच्छे से 4P पद्धति को फॉलो करता हूं। आपको भी 4P पद्धति को फॉलो करना है तो आप अपने 2 इंच के मजे के लिए 6 फुट को सजा से बचा पाएंगे। और मजा तो इस 2 इंच में बहुत बेतुका आता है, यदि आप 4P पद्धति फॉलो करते हैं, पूरी तरह से जिह्वा संतुष्ट हो जाती है। जिनकी जिह्वा संतुष्ट नहीं होती है, जिनको जिह्वा को संतुष्ट करना नहीं आता है, पता नहीं जिह्वा को क्या देना है, इसको कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, क्यों खिलाना है, उन्हीं की 6 फुट को सजा मिलती है। 4P पद्धति में जिह्वा को मजा देने के इतने अधिक तरीके हैं, इतने अधिक व्यंजन हैं, इतने अधिक पकवान हैं कि आप खाते खाते थक जाएंगे, आप उसका मजा लेते लेते थक जाएंगे और आपकी बॉडी को कोई सजा नहीं मिलेगी। आपका 6 फुट भी मजे में रहेगा, आपका 2 फुट भी मजे में रहेगा। बस उन चीजों से बचना है जो आज आप इस जिह्वा को देते हैं, जिनमें कोई लाभ नहीं है, सिर्फ हानि ही हानि है। और वो क्या चीजें हैं, ये आप सीख सकते हैं 4P पद्धति को समझकर, सीखकर, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाए जाने 4P पद्धति क्या होती है और अपने पूरे जीवन को बीमारियों से मुक्त कर लें, जीवन बीमा समझ लें अपनी बीमारियों का। कोई बीमारी आपके शरीर में घुसने नहीं वाली है, कोई सा मौसम आए, कोई सी समस्या आए, कोई जीवाणु, कोई कीटाणु, कोई आपकी बॉडी में बीमार आपको नहीं कर सकता है। बस एक तरीका सीखना है, एक छोटा सा परिवर्तन लाना है, 4P पद्धति के आधार पर चलना है और आप देखेंगे कि 2 इंच का
आपका जो ये अंग है जिह्वा कहते हैं, इसको जीभ कहते हैं, इसको टंग कहते हैं, इसको भी मजा मिलेगा और इस 6 फुट की बॉडी को भी मजा मिलेगा। वो जो सजा 6 फुट की बॉडी आपकी झेल रही थी इस 2 फुट 2 इंच की जिह्वा के स्वाद के कारण, वो सब परिवर्तित हो जाएगा। एक बार विश्वास कीजिए, अमल कीजिए। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपनाएं फौज की पद्धति और भगाएं सारे रोग।